हमारे चैनल स्प्राइटली अनीता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चावल के आटे के फरे जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं। यूपी और बिहार की स्पेशल स्नैक्स रेसिपी है ये। ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल के आटे के फरे। फरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दाल। यहाँ पर हमने 100 ग्राम उड़द की दाल ली है और चने की दाल लिया है 200 ग्राम। दोनों दालों को अच्छी तरह से धुल कर 3 से 4 घंटे के लिए भिगा देंगे। इसके बाद ग्राइंडिंग जार में दोनों दालों को पीस लेंगे। एक पेस्ट तैयार करेंगे। पीसी हुई दालों में मसाले मिलाएंगे। एक बड़ी थाली में दाल के पेस्ट को रख लेंगे और इसी में 2 से 3 चम्मच मसाले डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक का भी पेस्ट डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हींग पाउडर डालेंगे, कटी हुई बारीक धनिया की पत्तियां डालेंगे और हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फरे के लिए मिश्रण तैयार है। अब हम चलेंगे अगले प्रोसेस में। एक भगोने में 1 से 2 लीटर पानी गर्म करेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे लगभग आधा चम्मच। अब लेंगे चावल का आटा वजन से लगभग 500 ग्राम और इसी चावल के आटे में डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी में डालेंगे पानी जो कि हमने बॉयल करके रखा है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चावल के आटे को गूंथ लेंगे। थोड़े थोड़े से आटे लेकर छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। जिस तरह पूरी होती है बस उसी तरह से, लेकिन उससे छोटी हो, पूरियां बनाकर तैयार करेंगे। सभी पूरियों में मसाले के मिक्सचर को फिल करेंगे। इसी तरह से दाल के पेस्ट को भर कर तैयार करेंगे। एक बड़े भगोने में 2 से 2.5 लीटर तक पानी लेंगे और हाई फ्लेम पर पानी को उबाल लेंगे। उबलते हुए पानी के ऊपर छेद वाली थाली रखेंगे जिनमें कि फरे रखे हैं और 20 से 25 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर फरे को पकाएंगे। 20 मिनट के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और फरे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फरे को फ्राई करेंगे। इसके लिए लेंगे एक पैन और पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे, जीरा डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे या फिर लाल मिर्च। फरे को डालकर बराबर चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो सके। फरे को फ्राई करते समय गैस की फ्लेम स्लो रखें। चावल के आटे के फरे हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी रेसिपी है, तो आप भी इस स्नैक्स रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पर फ्राई होने के बाद फरे को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और चटनी या सॉस किसी के साथ भी आप इस फरे को सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।